हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभेंदु और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, इसके लिए वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए नोटबुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो कलर पेपर का यूज़ भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं पेपर को जिस तरीके से फोल्ड कर रहा हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही उसको फोल्ड कर लेना है। पेपर को इसी तरह फोल्ड कर लेने के बाद इसी तरीके से दो हिस्सों में उसको कट कर लेना है। मैं दोनों पेपर को अच्छे से चिपकाने के लिए फेविकॉल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो किसी और गम का यूज भी कर सकते हो। फेविकॉल को लगा लेने के बाद आपको दोनों पेपर को ठीक ऐसे तरीके से उसको लगा लेना है। गम अच्छे से सूखने के बाद हम उसको पेपर को इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। मैं जिस तरीके से पेपर को फोल्ड कर रहा हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही पेपर को फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, पेपर को मैं कट करने के लिए यहाँ पर पॉइंट ले जाता हूँ। मैं यहाँ पर पेपर को जिस तरीके से कट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही उसको कट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके एक पॉइंट को छोड़ देना है और दूसरे पॉइंट को उसको मैं जिस तरीके से कट कर रहा हूँ, उस तरीके से उसको कट कर लेना है। ऐसे ही तरीके से हम पूरे पेपर को कट कर लेते हैं। पूरी पेपर को इसी तरीके से कट कर लेने के बाद हम फिर दोबारा पॉइंट किए हुए चीज़ को दूसरे साइड से उसको कट कर लेना है। पेपर को पूरी तरीके से कट कर लेने के बाद आपको पेपर बिल्कुल वैसी तरीके से दिखाई देगा। अब पेपर को हम फटाफट खोल के देख लेते हैं। पेपर को अच्छी तरीके से खोल लेने के बाद आपको ये बिल्कुल ऐसे तरीके से दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को, तो ये वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा इस यूट्यूब चैनल से।